दोस्तों, मेरा नाम सूरज है, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ आज से लगभग 2 साल पहले घटी थी। उस वक्त मैं 21 साल का था। उन दिनों कॉलेज की छुट्टियाँ चल रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि अभी तो छुट्टियाँ भी हैं और वैसे भी घूमने फिरने का मौका तो कम ही मिलता है। मैंने सोचा कि मुझे अपनी नानी के गाँव जाना चाहिए। मैंने तुरंत पिताजी को ये बात बताई। पिताजी थोड़ा मुश्किल से ही सही, पर आखिरकार मान गए। तो ठीक, मैं और मेरा दोस्त जिसका नाम अजय था, अजय मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त था, वो भी मेरे साथ चलने को तैयार था क्योंकि मैं भी एक बार उसके मामा के गांव घूम आ चुका था। हम दोनों ने प्लान बनाया कि हम सुबह के 5 बजे घर से निकलेंगे। मैं पूरी रात बस यही सोचकर बहुत एक्साइटेड था कि कल मैं अपने मामा और नानी से मिलने जाऊँगा। इसी वजह से मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। खैर, मैं किसी तरह उस रात सोया और फिर अगली सुबह 4:30 बजे उठा। तैयारी तो मैंने रात में ही कर ली थी, इसीलिए मैंने अपने दोस्त को भी फ़ोन लगाया। मेरा दोस्त भी मेरे घर पर अपनी बाइक लेकर आ गया। इसके तुरंत बाद हम दोनों निकल गए मेरे मामा के गांव। हम लोग बड़े आराम से बातें करते और खाते पीते तकरीबन 11 बजे तक पहुँचे। मुझे देखकर मामा और नानी बेहद खुश हुए। वो दिन तो जैसे तैसे ठीक गुजर गया। रात को खाना खाने के बाद मैं और मेरा दोस्त बरामदे पर बैठी नानी जी से बातें करने लगे। बातों ही बातों में मैंने नानी जी को कहा कि नानी जी, हमें कोई भूत की कहानी सुनाई है। नानी ने हमें मना करते हुए कहा कि यहाँ रात में ऐसी बातें करना भी पाप है, वरना अगर यहाँ मौजूद किसी नकारात्मक शक्ति को ये भनक लगी तो वो ठीक उस स्थान पर हावी हो जाती है। वो फिर दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं और अगर कोई गलती से दरवाज़ा खोल देता है तब बाहर मौजूद वो प्रेत उस इंसान को अपने पीछे भ्रमित कर ले जाते हैं और फिर उसे मार देते हैं। इसीलिए यहाँ रात के समय ऐसी बातें नहीं करते। दोस्तों, मैं और मेरा दोस्त मन ही मन हंसते हुए इन बातों का मजाक बना रहे थे। उस रात हम कमरे में जाकर सो गए। अगली सुबह हम लोग बाहर आए और थोड़ा टहलने जाने वाले ही थे कि बाहर बैठे नाना ने कहा, पीछे की तरफ मत जाना। मैंने और मेरे दोस्त ने बड़ी हैरानी से पूछा, ऐसा क्यों? इस पर उन्होंने कहा कि पीछे से 100 मीटर दूर जो बांसवाड़ा है वहाँ एक घर मौजूद है। उस घर में एक बूढ़ा बूढ़ी रहा करते थे जो काफ़ी गरीब थे। दिन बीते लेकिन उनके हालात में कोई सुधार नहीं आया, और तो और उनके हालात और भी गंभीर हो चुके थे। उनके तो खाना खाने के भी लाले पड़ गए थे। कुछ दिनों बाद भूख के मारे उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। कहते हैं कि कोई भी गांव वाला खाना लेकर नहीं जाता था, क्योंकि जब भी कोई खाना देने जाता तो उसके कुछ दिन बाद ही किसी बीमारी या दुर्घटना से उसकी मौत हो जाती थी। लोग इस बात से काफ़ी डर गए थे, जिस वजह से कोई खाना नहीं पहुंचाता था। भूख और कमजोरी के कारण उन दोनों की ही मौत हो गई। उनका कोई वारिस नहीं था। गाँव में से किसी ने भी उनका अंतिम संस्कार करना नहीं चाहा, और तो और उनकी लाश बिना अंतिम संस्कार के ही रही। बस इसके बाद से ही बांसवाड़ी से गुजरने वाला कोई भी शख्स आसानी से जिंदा नहीं बचता था। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो पूरी एक डायन बन चुकी है और वो बूढ़ा एक डाया बन चुका है। कहते हैं कि वो गांव के कई शख्स का शिकार कर चुके हैं, और जो उनका शिकार होता है वो भी एक प्रेत रूप में आ जाता है, क्योंकि उसका भी शरीर लापता होता है और उसका अंतिम संस्कार नहीं हो पाता। इसीलिए गांव में इसकी इतनी चर्चा है पिछले 1 साल से। दोस्तों, ये सारी बात सुनकर मैं बोल पड़ा, कहानी अच्छी थी नाना जी। ये बोलकर हम वहां से हंसते हुए अपने कमरे में आ गए। कमरे में आने के बाद उस समय पता नहीं हमारी बुद्धि कहां चली गई थी। हमने सोचा कि हम उस बांसवाड़ी में जाएंगे और जाकर आने के बाद हम सबको दिखा देंगे कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, असल में ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने और मेरे दोस्त ने कहा कि हम रात के 10 बजे निकलेंगे, जब तक सब घरवाले सो जाएंगे, क्योंकि हमें पता था कि हमारे घरवाले हमें बिल्कुल वहां जाने नहीं देंगे। हम दोनों ने चुपचाप खाना खाया और फिर कुछ सामान सेट किया। सामान में हमने एक छोटा कैमरा, एक लालटेन और कुछ हथियार भी रखे ताकि हम किसी जानवर से बच सकें। धीरे धीरे सभी घरवाले चुपचाप सो गए और फिर मैं और अजय सभी सामान को एक बैग में डालकर कमरे से बाहर आ गए। हम लोग धीरे धीरे कच्चे सड़क पर पहुंचे। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा ही पसरा था, मतलब वहां पर कोई नजर नहीं आ रहा था।
हम लोग ठीक जब उस घर के पास पहुंचे तो वहां केवल सन्नाटा था जो हमें थोड़े से डर का एहसास करा रहा था, लेकिन मैं बिल्कुल डरने को तैयार नहीं था। इसके बाद हम लोग घर के अंदर घुसे। वो असल में कोई घर नहीं बल्कि एक टूटा फूटा झोपड़ा था। हम लोग अभी थोड़ा अंदर ही गए थे कि तभी हमें ऐसा लगा कि हमारे पीछे अभी अभी किसी ने हल्की सी आवाज लगाई है, लेकिन जब हम पीछे पलटे तो पाया कि ये सिर्फ हमारा वहम था। वहां पर असल में कोई नहीं था। थोड़ी देर में मैंने अपने बगल में देखा और चौंक गया, क्योंकि मेरा दोस्त भी अब यहां से अचानक गायब था। अब मुझे डर का एहसास हो रहा था क्योंकि मैं अकेला छूट गया था। मैं उसे जोर जोर से आवाज देने लगा, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। सच में इससे पहले मैंने इतने डर का अनुभव नहीं किया था। मैं भी डरा सहमा वहां से बाहर निकला और सीधा भागने लगा। मैं वहां से लगातार भागता जा रहा था, पर तभी कुछ देर बाद मुझे एक लाल खूंटा दिखा। तब मैंने ये अनुभव किया कि ये वही जगह है जहां से मैंने भागना शुरू किया था। ये सब देखकर मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मैं बुरी तरीके से घबरा चुका था। मैं अपने दोस्त अजय को ढूंढता हुआ तेजी से अंदर की तरफ भागा, पर वहां कोई नहीं था। फिर मैं भागता हुआ बाहर आया और जोर जोर से अपने दोस्त को आवाज देने लगा। मैं ये तो समझ चुका था कि आज मैंने यहां आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं चुपचाप अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गया। थोड़ी देर बाद मुझे सामने से अजय आता हुआ दिखा। वो कैमरे से फोटो क्लिक करता हुआ इधर ही आ रहा था। वो जैसे ही मेरे पास आया, मैंने उसे चिल्लाते हुए कहा, कहां चला गया था तू, मैं कितना डर गया था। अजय ने हंसते हुए बोला, घर पर तो तू बड़ा उछल रहा था कि मैं तो बिल्कुल नहीं डरता, और अभी देख कैसा डरपोक बन गया है। मैंने उससे कहा, लेकिन यार तू था कहां आखिर, मैंने तुझे हर जगह ढूंढा मगर तू मुझे कहीं क्यों नहीं दिखा। अजय ने तुरंत मेरी बात को काटते हुए कहा, वो सब छोड़ यार, देख चल तू मेरे पीछे आ, तुझे कुछ दिखाता हूं। मैंने भी तुरंत कहा, नहीं यार हमें यहां से निकलना होगा, ये जगह मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। लेकिन तभी पीछे से मुझे एक आवाज आई, सूरज भाई बचा ले मुझे। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। उस वक्त मैं एक बूढ़े शख्स को अपनी खुली आंखों से देख रहा था। उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। मैं हड़बड़ाहट की वजह से जल्दी से वहां से भागा। भागते हुए मेरे पैर पर जोर से एक पत्थर लगा, जिसकी वजह से मैं नीचे गिर गया, और ठीक वो आदमी अब धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। यकीनन उसका चेहरा बेहद डरावना लग रहा था। पर तभी मुझे अजय नजर आया जो उस आदमी के पीछे से आ रहा था। अजय ने उस आदमी को धक्का दे मारा और फिर मुझे हाथ देकर उठाया। फिर हम लोग वहां से भागने लगे। उस वक्त शायद रात के 1 बज रहे थे। किसी तरह हमें इस घर में 4 घंटे और बिताने पड़ सकते थे। हम दोनों छुपने के लिए कोई जगह ढूंढने लगे, लेकिन वहां पर अंधेरे की वजह से कुछ भी नहीं दिख रहा था। इसी बीच हमने एक खौफनाक दृश्य को अपनी आंखों से देखा। वो दृश्य ऐसा था जो किसी का भी दिल दहला सकता था। हमने देखा कि एक बूढ़ी औरत 2 चीता बना रही थी, जो यकीनन शायद हमारे लिए ही थी। हमारी आंखें तो खुली की खुली रह गई। मैं बहुत ज्यादा डर चुका था, लेकिन अपने आप को किसी तरह संभाले हुए था। इसी बीच एक अजीब से दिखने वाले आदमी ने एकदम से मेरी तरफ देखा। मेरी तो हालत ही खराब हो गई। वो हमें देखकर हंसने लगा और फिर एक भयानक आवाज से मेरी ओर देखते हुए बोला। उसने कहा, अगला नंबर तुम दोनों का है। ये सुनकर हम दोनों दोस्त वहां से बड़ी तेजी से भागे। हम भागकर वहां से दूसरी जगह चले गए, लेकिन ये क्या, हम तो फिर उसी जगह पर आ गए जहां से हमने भागना शुरू किया था। हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पर हाँ, एक बात हमें मामा जी की याद आई। उन्होंने हमें एक बार बताया था कि यहाँ कई छलावे हैं, वो लोग किसी को भी भ्रमित कर सकते हैं। ये बात तो साफ थी कि ये बिल्कुल छलावे ही थे, लेकिन मामा जी ने हमें ये नहीं बताया कि उनसे बचा कैसे जाए। हमारे पास इस बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी, मगर हमने कहीं ये सुना था कि भूत प्रेत छलावा ये जानवर आग से डरते हैं, लेकिन वहां पर तो आग भी नहीं थी। इसी बीच हमें फुसफुसाने की आवाज आई। हम दोनों एकदम से पीछे पलटे तो हमारी रगों में दौड़ता खून एकदम से रुक गया। मेरे शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। इस बार हमारे सामने एक आदमी खड़ा था, और तो और उसका एक पैर गायब था। उसका चेहरा इतना भयानक था
कि कमजोर दिल वालों की तो वहीं पर जान निकल जाए। हम दोनों दबे पांव वहां से भागे। हम लोग बस भाग ही रहे थे कि तभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे हमारे पैरों को किसी ने जकड़ कर रखा है। हमारे मामा जी ने बताया था कि उनमें से एक औरत थी जो कि वही बूढ़ी औरत थी। उसके बहुत ही लंबे लंबे बाल थे। उसे गांव वाले लंबी चोटी वाली औरत के नाम से बुलाते थे। मेरा दोस्त भागता हुआ उस कमरे के अंदर चला गया और जोरों से चिल्लाने लगा। मैं तुरंत उसके पीछे भागा और उस कमरे तक पहुंच गया। जब मैं उस कमरे में पहुंचा तो मैंने पाया कि अजय की हालत अब बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। उसके पसीने छूट रहे थे, साथ ही उसके शरीर पर जख्म भी थे। उस वक्त वो बहुत बुरी हालत में था। हमें बस खुद की जान बचाने के लिए जल्द से जल्द यहाँ से निकलना था। इसीलिए मैंने चारों तरफ देखा। मुझे ठीक उस कमरे में एक अजीब सा दरवाज़ा नजर आया। मैं और अजय वहाँ से निकलते हुए उस दरवाजे के पास गए, मगर कहीं ना कहीं कोई शक्ति मेरे दोस्त को खींचे जा रही थी। उसी बीच मुझे याद आया कि सुरक्षा के लिए हमने बैग में कुछ औजारों को भी रखा था, जिनमें से एक चाकू भी था। मैं उस चाकू को लिए अजय की तरफ बढ़ा। हालांकि अजय इससे डर गया था। उसे लगा कि मैं उसका दोस्त नहीं बल्कि कोई और हूँ। मैं बड़ी तेजी से अजय की तरफ भागा और मैंने उस चोटी को काट दिया। वो कुछ अजीब सी रस्सी थी, दिखने में एक चोटी की तरह ही लग रही थी। इसके बाद मैं और मेरा दोस्त वहां से भागते हुए बाहर आ गए। पर हमें एक डर और था कि कहीं हम उसी जगह पर ना आ जाए। मगर इस बार हम लोग सच में उस घर से निकल चुके थे। मगर अभी तो एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आनी बाकी थी। हमने सामने देखा कि अब हम एक जंगल में आ गए हैं। उस समय रात के उन कोहरे में जंगल बहुत ही डरावना लग रहा था। मैं और अजय वहां से भागते हुए जंगल के एक पेड़ के नीचे आ गए। वो पेड़ बहुत ही घना था। उसके नीचे बहुत गहरी जगह थी, यानी कि एक गड्ढा बना हुआ था। मैं तुरंत अपने दोस्त अजय के साथ उस गड्ढे में छिप गया। हमें इतना तो पता था कि अगर हम इस गड्ढे से थोड़ा भी हिले या फिर निकले तो हमारा मरना तो पक्का है। पर हम दोनों वहीं पर बैठे रहे और ये सोचने लगे कि अब यहाँ से भागे तो कैसे भागे। मेरे दोस्त अजय ने तभी अपना फोन निकाला। तब उसके चेहरे पर एक खुशी दिखाई दे रही थी। उसने कहा कि नेटवर्क मिल गया है, अब हम फोन करके अपने घर वालों को यहाँ बुला सकते हैं। हमने तुरंत ऐसा ही किया। मैंने अजय से फोन लिया और तुरंत अपने मामा जी को फोन लगाया। पर शायद मामा जी बड़ी गहरी नींद में थे, इसीलिए उन्होंने हमारा फोन नहीं उठाया। मैं घर के अलग अलग लोगों को लगातार फोन कर रहा था, पर कोई फोन नहीं उठा रहा था। जब हमने फोन में समय देखा तब रात के करीब 3:30 बज रहे थे। इसी बीच पेड़ के नीचे ही मेरे दोस्त को एक कांटा चुभा, जिससे कि उसने जोर से चिल्लाया। वहां उसकी चिल्लाहट सुनकर पता नहीं कहां से हलचल होने लगी। ऐसा लगा कि जैसे कोई हमारे आसपास मंडरा रहा हो। लेकिन जब मैंने बाहर की तरफ देखा तो मुझे वहां पर कोई भी नजर नहीं आया। पर कहीं ना कहीं मुझे पता था कि अब ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इसीलिए मैं और अजय वहां से बाहर भागने लगे। भागते भागते अचानक मेरे फोन की घंटी बजी। मैंने तुरंत फोन उठाया। वो फोन मेरे मामा जी का था। मैंने मामा जी को सारी बात बताई। पहले तो मामा जी ने मुझे बहुत डांटा, मगर फिर मामा ने कहा कि तुम लोग वहां से थोड़ा और आगे आओगे तो तुम्हें एक बहुत ही बड़ा खेजड़ी का पेड़ दिखेगा। बस तुम लोग उस पेड़ के नीचे आ जाओ, उसके आसपास कोई भी काली शक्ति नहीं आ सकती। बस तुम लोग वहां पर तुरंत पहुंच जाओ, मैं कुछ लोगों को लेकर वहां पहुंचता हूं। दोस्तों बस फिर क्या था, मैं और अजय किसी तरह वहां से भागते हुए उस जगह पर आ गए जहां पर वो खेजड़ी का पेड़ था। यकीनन उसके नीचे सच में एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। हम लोग वहीं बैठकर मामा का इंतजार करने लगे। इसी बीच मुझे उस पेड़ के सामने एक लड़का नजर आया। वो लड़का और कोई नहीं, अजय था। मगर ऐसा कैसे हो सकता था, अजय तो मेरे पास बैठा हुआ था। लेकिन जब मैंने ठीक से उसे देखा तो उसकी गर्दन उल्टी थी। ये देखकर मेरा दिल दहल उठा। मुझे पता चल गया था कि ये कोई आदमी नहीं है। वो मुझे अपने पास बुला रहा था, पर मैं जानता था कि ये जरूर कोई छलावा या प्रेत है। ये कभी भी इस पेड़ के नीचे नहीं आएगा। कुछ ही देर में वहां पर लोगों के आने की आवाज सुनाई देने लगी। इसी बीच वो छलावा भी एकदम से जैसे गायब हो गया। मेरे मामा जी के साथ कुछ लोग वहां पर आ गए थे। मामा जी ने तुरंत मुझे गले से लगाया और मुझे लेकर घर वापस आ गए। घर आने के बाद उन्होंने हमें बहुत डांटा और फिर से वहां दोबारा जाने से मना किया।
हम लोग भी ये कसम खा चुके थे कि अब कुछ भी हो मगर हम लोग वहां कभी भूलकर भी नहीं जाएंगे। हम इतना ज्यादा डर गए थे कि अगले दिन ही हम अपने घर आ गए। वो तो दोस्तों हमारी किस्मत थी जो कि उस रात हम बच सके, वरना ऐसे उल्टे काम तो अक्सर लोगों की जान ले लेते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी बांसवाड़े की कहानी। दोस्तों वैसे ये कहानी आज की नहीं है और ठीक इस कहानी पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। बाकी अगर आपको ये कहानी जरा भी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप तो जानती ही हैं कि मैं आपका कमेंट्स में हमेशा इंतजार करता हूँ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूँ, बाय बाय।